घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? कौन है अल्लू अर्जुन का अपना? क्या रश्मिका करेंगी अपना शूट जल्दी रात? और क्या पुष्पाटू हो सकती है न्यू ईयर पर रिलीज? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन एक परफेक्ट फैमिली मैन है, ये बात तो सभी को पता है। जहाँ उनकी लव स्टोरी स्नेहा रेड्डी के साथ हर जगह फेमस है, वहीं अल्लू अर्जुन एक और चीज को अपना कहते हैं। अब इसका जवाब तो हम आप तक लेकर ही आए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन के लिए सबसे पहले उनकी फैमिली आती है। तो बात हो रही है अल्लू अर्जुन के किसी को अपना मानने की। हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी और मेहनती इंसान की तरह अल्लू अर्जुन के लिए उनका काम ही उनकी पूजा है। वो अपनी मूवीज को अपने वेकेशंस, अपनी पार्टीज और अपने पास टाइम से भी ज्यादा ऊपर रखते हैं। बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार के जैसे ही अल्लू अर्जुन भी अपने शूटिंग्स के स्केड्यूल को लेकर काफी पंक्चुअल हैं और सेट पर वो टाइम से आ जाया करते हैं। सही तो है ही, आज जो आन बान शान है अल्लू अर्जुन की, वो उनके काम की वजह से ही तो है। बस इसीलिए हमारे पुष्पा अपने काम को ही अपना समझते हैं। उन्हें पता है कि सिनेमा की इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर अल्लू अर्जुन मेहनत नहीं करेंगे या डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कोई भी उन्हें रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए वो अपने काम को ही अपना दोस्त मानते हैं और उसे सच्चे दिल से करते हैं। पुष्पा 2 के लिए भी अल्लू अर्जुन सितंबर में शूटिंग शुरू करेंगे, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी अपना स्क्रिप्ट नरेशन कंप्लीट कर लिया है। वो कैरेक्टर को इसकी पहली मूवी से ही समझते हैं, लेकिन पुष्पा की मैसिव सक्सेस के बाद उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है। वो जल्द से जल्द इसकी शूटिंग को खत्म कर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी इक्वली ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन साफ शब्दों में कहें तो अल्लू अर्जुन अपने काम को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए शायद आज वो इतने बड़े स्टार बन पाए हैं। बाकी पुष्पा 2 के आने के बाद तो उनकी लगन और उनकी मेहनत सबको दिखी जाएगी। रश्मिका मंदाना, जो कि पुष्पा 2 में भी श्रीवल्ले का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी, वो काफी बिजी चल रही हैं। बिजी का मतलब ये नहीं है कि रश्मिका के पास सिर्फ साउथ की मूवीज के एक या दो प्रोजेक्ट हैं, बट वो इतना बिजी है कि उनके पास साउथ की मूवीज प्लस बॉलीवुड की दो मूवीज मिशन मजनू सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ और गुड बाय अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता के साथ भी है। इसके अलावा रश्मिका बहुत से फैशन डिजाइनर्स जैसे वरुण बहल और मनीष मल्होत्रा के लिए फैशन शोज में रैंप वॉक भी करती नजर आती हैं। करण जौहर जैसे बड़े डायरेक्टर के बर्थडे बैश में भी अपने ग्लैमरस अवतार में नजर आई थी वो। रश्मिका अपने रूमर लव इंटरेस्ट विजय देवर कौंदा की मूवी लाइगर को भी सपोर्ट करती हुई देखी गई है। तो वहीं बहुत से अवार्ड फंक्शंस में भी रश्मिका का नाम स्पेशलिस्ट में होता है, इसलिए रश्मिका के पास इतने कमिटमेंट्स हैं कि वो पुष्पा 2 की शूटिंग जल्द से जल्द खत्म कर वापस मुंबई लौटने वाली हैं अपनी बॉलीवुड मूवीज को कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, वो पुष्पा 2 में कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगी, लेकिन हम आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे कि ऐसा होने वाला है कि आपको हर जगह बस रश्मिका ही दिखेगी। आपको क्या लगता है, साउथ मूवीज से फेम लेने वाली रश्मिका बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही ध्यान तो नहीं दे रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। पुष्पा 2 की रिलीज इसी साल 22 दिसंबर को तय हुई है। ऐसे में मेकर्स मूवी की शूटिंग तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन इतने टाइट स्केड्यूल में एक भी दिन का गैप नहीं है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से मूवी की शूटिंग को रोकना पड़े तो मेकर्स इसे न्यू ईयर्स वीकेंड तक पोस्टपोन करेंगे। वैसे तो मेकर्स और कास्ट डिले नहीं होने देगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैक्सिमम न्यू ईयर तक तो प्लान शिफ्ट होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।